यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए बेटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर आपको डाउट्स पूछना है, डाउट पूछिए। यस बेटा, जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है, एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो आप पूछिए। कल वाले लेक्चर्स में थोड़ी सी ज्यादा ट्रिक्स थी, आपको चेक करवा दिया गया है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो पूछिए आप। क्वेश्चन पूछिए बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे, या किए नहीं बेटे आज आप लोगों ने? यस बेटा, जो मुश्किल लग रहा है पूछिए आप, जो आपको नहीं आता आपको मुश्किल लग रहा है वो आप पूछिए। ठीक है बेटा, गुड। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 8th क्वेश्चन देखिए बेटा फिर। 8th क्वेश्चन, 7 तक आपको बता दिए थे, 7th भी आपको ट्राई, 7th भी देखिए, 7th ऑनवर्ड्स। और कोई डाउट है तो पहले वो पूछिए बेटा। 7th देखिए बेटा, कह रहा है आपको ये चेक करना है कि पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन बी के इक्वल है या नहीं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये चेक करना है। 7th क्वेश्चन कह रहा है, इज इट ट्रू पी ए यूनियन पी बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी करें, या पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी करें तो इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो बेटा जो चीज ट्रू नहीं होता उसके लिए प्रूफ नहीं होता, उसके लिए तो एग्जांपल दिया जाता है। तो कोई भी एग्जांपल ले लेंगे सॉल्यूशन। मान लीजिए ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1, कोई भी बी सेट में है 2, तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 पावर जितने इसमें एलिमेंट है 1 एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से, 5 और 1 1, ये पावर सेट है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, बी सेट है 2, तो पावर सेट ऑफ बी में भी कितने एलिमेंट होंगे, 2 पावर 1 एलिमेंट्स होंगे, तो क्या बनेगा, 1 5 और 1 2। ए यूनियन बी करें तो उसमें क्या बनेगा, 1 2, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 स्क्वायर एलिमेंट्स, कौन कौन से, 1 तो 5, इम्प्रॉपर 2 थे, 1 2 1 2, 4 एलिमेंट्स हुए पावर सेट ऑफ। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में तो 4 एलिमेंट्स हुए, ये तो राइट हैंड साइड। इन दोनों का यूनियन करेंगे, यूनियन पी ए यूनियन पी बी, तो हमारे पास आ रहा है 5 1 2, ये लेफ्ट हैंड साइड हुई, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड लाइन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। डाउट है तो आपको बेटा नंबर पूछना है, डाउट है तो नंबर पूछिए। 8th देखिए बेटा इसके बाद। तो बेटा जो चीज आपको नहीं आती, रेगुलर डाउट्स लिए जा रहे हैं, रेगुलर डाउट्स लीजिए। संडे को टेस्ट रखेंगे इसका, फिर से सेट्स का, मिसलेनियस और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको करवाए जाएंगे। 8th क्वेश्चन देखिए बेटा, 8th नंबर, 8th क्वेश्चन बताते हैं बेटा आपको। रब कर रहे हैं बेटा ये 5 स्टेप्स में, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए आप।
नहीं। एट्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, एट एट्थ क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, फॉरम टाइप क्वेश्चन, यूनियन ए माइनस बी। नो डाउट एक मेथड तो फिर वही एग्जांपल मेथड है बेटा एट्थ क्वेश्चन के लिए, वन मेथड एग्जांपल मेथड। ए सेट को क्या ले हम, मान लीजिए कोई भी वन टू, बी सेट क्या ले, एक दो एलिमेंट इसके ले लो, एक दो एक्स्ट्रा ले लो, ए और बी में कोई कनेक्शन तो दे नहीं रखा कि सब सेट है, तो बी सेट कोई भी ले लो, मान लीजिए टू थ्री फाइव, तो लेफ्ट हैंड साइड तो यही होगी। राइट हैंड साइड के लिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। ए और बी में कॉमन कौन से हैं, टू थ्री यूनियन, ए में से बी चला गया, टू कैंसिल हो गया, थ्री कैंसिल हो गया, तो क्या बचा रह गया, ए में से बी माइनस किया तो वन, तो क्या बन गया ये वन टू थ्री। लेकिन स्कूल टू स्कूल डिपेंड करते हैं, कई टीचर्स तो इस मेथड को अलाउ कर देते हैं और कुछ स्कूल्स वाले कहते नहीं इस ढंग से नहीं करना, एग्जाम्पल मेथड से नहीं करना। लेकिन आपको ये बताया गया था अगर आपको नहीं पता लग रहा, आप हेल्पलेस हैं, आपको नहीं पता लग रहा, तो खाली शीट में नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको लिख के आना है, तो एग्जाम्पल मेथड से करके आएंगे। सेकंड मेथड, रिजल्ट फॉर ए माइनस बी, फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे थ्योरेटिकल क्या है, जिसमें ए बी की वैल्यू नहीं दे रखी, उसके लिए क्या ट्रिक है वो देखें बेटा, ए माइनस बी की क्या ट्रिक है, तो ए माइनस बी की ट्रिक है ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। रिजल्ट है A माइनस बी A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। वैसे इसको अगर शब्दों में पढ़े तो क्या पढ़ा जाएगा, A इंटरसेक्शन मतलब एंड नॉट B, यही तो है A माइनस B, ओनली A, A एंड नॉट B। ये रिजल्ट कब यूज करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, जैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, सेकंड मेथड, राइट हैंड साइड लेंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। याद रखने की ट्रिक, माइनस की जगह तो इंटरसेक्शन कर दो और सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट ले। माइनस की जगह तो इंटरसेक्शन कर दो, रूल है बस, माइनस की जगह इंटरसेक्शन और सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, रूल है, रिजल्ट है, रिजल्ट है। अब देखो ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लो, ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर आपको ध्यान हो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, यूनिवर्सल। तो इक्वल टू ए आ गया, बिकॉज A इंटरसेक्शन U इज सबसेट, यूनियन होता तो सुपरसेट,
ए इसका सबसेट ही तो है, यूनिवर्सल का तो और एक कोई सबसेट होगा। फर्स्ट सर्कल कोई डाउट पूछना बेटा, बहुत आसान। आपको सर्कल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पूछिए आप। 6 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे गए हैं, आपको कोई नंबर पूछना है तो पूछ सकते हैं इन 6 स्टेप्स में। 6 स्टेप्स में आपको कोई डाउट है तो नंबर बोले, कर लीजिए बेटा नोट। वैसे तो हमने आपको नोट्स भेजे हैं एनसीईआरटी थ्योरी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी थ्योरी सॉल्यूशंस के नाम से पीडीएफ भेजा हुआ है, तो एनसीईआरटी थ्योरी सॉल्यूशंस के अंदर आपको ये चीजें मिल जाएगी, थ्योरी सॉल्यूशंस के अंदर। अभी कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं बेटा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए आप, कोई डाउट है तो। कोई कंफ्यूजन नंबर 9 देखे बेटा, फिर 9th नंबर जो कि बहुत आसान है बताते हैं आपको। 9th क्वेश्चन, तो रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट क्या है, ए माइनस बी, ये थ्योरिटिकल क्वेश्चंस के लिए। ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट थ्योरिटिकल क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखे बेटा, तो माइनस वाला क्वेश्चन इस ढंग से, और जितना मैक्सिमम याद रह जाए, जितना मैक्सिमम ध्यान रह जाए उतना ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें बेटा, 9th नंबर, रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आप पे भेज देंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ए, ये प्रूव कर देंगे क्या बात हो रही। माइक्स बेटा अपना ऑफ रखेंगे, कोई डाउट है तो तब पूछ लेंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल प्रूव करना है। एक मेथड तो बेटा यही है कि एग्जांपल मेथड, बट टीचर से आपको पहले पूछना है जहां से आप पढ़ रहे हैं जिस भी स्कूल्स में, कि इस ढंग से आप कर सकते हैं या नहीं। तो वन मेथड तो ये, जैसे ये दिया था, ए सेट ले लें 1, 2, 3, बी क्या लें, ए कोई बी का सबसेट नहीं है तो एक दो एलिमेंट इसके ले लो, एक एक्स्ट्रा ले लो, जैसे ये लिख रखा 2, 3, 5, 2, 3, 4 ले सकते। लेफ्ट हैंड साइड अलग से निकालो, राइट हैंड साइड अलग से निकालो, ये तो राइट हैंड साइड है ही, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए तो हमारे पास है 1, 2, 3 यूनियन, ए और बी में कॉमन क्या है 2, 3, ए के तो सभी लिख लो पहले वाले सेट के, जो बचे और निकल तो कुछ बचा ही नहीं। एक तरीका तो ये है, जैसे ये किया था ए और बी में कोई कुछ भी किसी भी ढंग से आप एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेकंड मेथड एक रिजल्ट आपको बताया हुआ है, काफी यूज भी कर चुके हैं। अगर ए बी का एक पार्ट है, देन ए यूनियन बी क्या होगा, सुपर सेट। कई बार यूज कर चुके हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सबसेट। चेक कर सकते हैं, बताया जा चुका है रिजल्ट। अगर ए बी का एक पार्ट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, सुपर सेट बी।
ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सबसेट बताया जा चुका। तो आपको ये पता है ए इंटरसेक्शन बी ए का एक पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इज पार्ट ऑफ ए, कॉमन पार्ट पूरे सेट का एक पार्ट तो होगा ना बेटा, कॉमन पार्ट ये कॉमन है, कॉमन पार्ट पूरे सेट का एक पार्ट होगा, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज सुपरसेट, क्योंकि यूनियन है सुपरसेट। सुपरसेट क्या हो गया, बस ये रिजल्ट वन, ये तो रिजल्ट होता है टू, सोल्यूशन तो यही है, बस ये सोल्यूशन है। थ्री नंबर पूछिए बेटा, और अगर इंटरसेक्शन होता तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, एक तो एग्जांपल मेथड ही है, इस ढंग से कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, ए इज पार्ट ऑफ ए यूनियन बी, ए इसका पार्ट है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट क्या होगा, इंटरसेक्शन सबसेट होगा, यूनियन इंटरसेक्शन तो सबसेट होगा और यूनियन सुपरसेट होगा। फोर्थ डाउट है तो आपको नंबर पूछना, बस कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना बस। टेंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, टेंथ क्वेश्चन इज ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है। आज जी क्या लेना है, ले लो लेटर ले सो, कुछ लेना है ए इंटरसेक्शन बी, मम्मी ने उधर की थी खाने के पास बाहर गुड़ के पास, जो आपका दान वाला थैला उसके पास रखते हैं, दान वाला थैला नहीं, बिस्कुट बिस्कुट पड़े आपके। हाँ हाँ, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है तो ये डेंजरस है कि ए ए कैंसिल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, ए कैंसिल हो गया बी इक्वल टू सी, तो वो यही कह रहा है कि नीड नॉट टू अप्लाई, तो जरूरी नहीं है कि b इक्वल टू सी होगा, कैंसिलेशन ना नहीं है। अगर आपको ध्यान है तो कल हमने बताया था a का इंटरसेक्शन और साथ के साथ यूनियन a यूनियन b a यूनियन c के इक्वल हो तो b और c इक्वल होना जरूरी है, इसमें जरूरी नहीं है। तो जो चीज ट्रू नहीं है बेटा उसका प्रूफ भी होगा, ये तो केवल एग्जाम्पल से ही करना पड़ेगा। इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका तो एग्जांपल से ही करना पड़ेगा। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, इसको तो एग्जांपल से ही करना पड़ेगा। कैसे, ए सेट ले लो 1 2 3, बी सेट ले लो 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी तो क्या है, अब आपको एक सी सेट ऐसा लेना है जिसमें ए और सी के तो कॉमन है, ए और सी तो इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, ये ए इंटरसेक्शन सी आना चाहिए, तो इसमें 2 3 तो होंगे ही, लेकिन ए बी और सी इक्वल ना हो इसको 5 ले, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी और सी इक्वल नहीं।
ए तो एज यूजुअल जैसे हमने 1 2 3 ले लिया, ए तो क्या ले लिया 1 2 3, बी क्या ले लिया दो एलिमेंट कॉमन निकले एक अलग लिख लिया 2 3 4, तो कॉमन 2 3 आ गया। ये ए इंटरसेक्शन सी भी है तो सी में 2 3 तो हो गई, 2 3 लिख लिए एक एक्स्ट्रा लिख लिया 5, तो इंटरसेक्शन तो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, बट बी और सी इक्वल नहीं, प्रूव हो गया बेटा। कोई डाउट ए सेट बी सेट सी सेट कैसे लिया, ए बी सी सेट कैसे लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम? 11 देखें बेटा, 11th नंबर, 11th नंबर इज, कल करवा दिया था 11th, फिर से देखिए 11th आपको कल करवा दिया गया था, फिर से बताते हैं 11th नंबर। इलेवेंथ इज ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स, यानी एक्स का इंटरसेक्शन ए बी के साथ, यानी कि एक्स कैंसिल होके ए बी आ गया, ये फाइ के इक्वल है चाहे ना देता। ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स इक्वल है, ये दोनों कंडीशन है, देन टू शो ए इक्वल टू बी, तो हमें ये शो करता है ए और बी इक्वल है। ए और बी इक्वल है कैसे करेंगे बेटा, देखो बताया था बेटा ए और बी इक्वल है, कोई एक ले लो दोनों में से, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, ए और बी इक्वल प्रूव करना है तो दोनों तरफ ए ऑपरेट कर दो और चाहे बी ऑपरेट कर दो, और यहां पे क्या लिखना है, इंटरसेक्शन ऑफ द यूनिटी, आपको बताया ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन एक्स पार्ट ऑफ ए, ए का सबसेट है, तो इनका यूनिट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, सुपरसेट। ए यूनियन को दोनों के साथ लिख लो तो क्या आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ए यूनियन को पहले के साथ भी लिखा है, ए यूनियन को दूसरे के साथ भी लिख दिया, जो दे रखा है ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स को, ठीक है, तो यूनियन बी कॉमन ले लो, ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल दे रखा है, बी इंटरसेक्शन एक्स, ये पार्ट है सबसेट है बी का, तो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, सुपरसेट। स्टेप्स पूछे बेटे आप, कल बता दिया गया था रेदर, रेदर इस ढंग से भी बता दिया गया था, ये यूनियन था इसके साथ इंटरसेक्शन लेके भी बता दिया गया था, नेक्स्ट देखे बेटा फिर 12th क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीन सेट्स हैं, कोई भी दो सेट रहे ए बी बी सी सी ए, वो नॉन एम्प्टी हैं, यानी उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, पर तीनों का कॉमन देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तीनों का कॉमन देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट 12th क्वेश्चन। कह रहा है ए बी सी ऐसे लेके बताओ, ए इंटरसेक्शन बी ले
बी इंटरसेक्शन सी ले, सी इंटरसेक्शन ए ले, तो ये एम्प्टी नहीं है, इज नॉट इक्वल टू फाइव, इज नॉट इक्वल टू फाइव, कोई ना कोई एलिमेंट है, इज नॉट इक्वल टू फाइव, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज फाइव. ये क्वेश्चन किस चीज में, तो करेंगे कैसे, देखो एग्जाम्पल बनाना है, पहले ए सेट लिखे, बी सेट लिखेंगे, सी सेट बताते हैं बेटा. ए सेट वही ले लो, 1 2 3, इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो सम में है. बी सेट ले लो कोई भी, 3 4 5, इन दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है. सी सेट ऐसा ले, एक एलिमेंट इसका ले कॉमन, एक इसका ले, एक डिफरेंट एलिमेंट. तो एक तो ले जैसे 1, इन दोनों में कॉमन, एक इन दोनों में कॉमन, 5, एक अलग ले लो. तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, गलत ले दोबारा बना के देखो. ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं तो क्या आया हमारे पास, ए बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं दोनों में कॉमन, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 5. सी इंटरसेक्शन ए कर रहे हैं, सी और ए में कॉमन, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 5. बट तीनों में कॉमन ले, ए बी सी तीनों में कोई कॉमन है, 1 सम में नहीं है, 2 सम में नहीं है, 3 सम में नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. तो दो दो करके देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तीनों करके देखें तो 1 2 3, कोई डाउट. तो सेट्स कैसे लेने ही आपको समझाया जा रहा है. अभी आपको कोई डाउट है तो बोले 12th के अंदर. तो ये बेटा एनसीईआरटी का हमने हर एक एग्जांपल क्वेश्चन आपको करवाया है. मिसलिनियस में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत थी इसलिए ज्यादा टाइम लगाया गया. लास्ट वाले तो बेटा ध्यान है आपको, इनका टेस्ट भी हो चुका, 13 से 16 तक तो आपको करवाए जा चुके. अभी आपको एनसीईआरटी में कोई और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं एनसीईआरटी में. आप देखिए अभी रीज्वाइन भी करेंगे आप हमें, क्योंकि 40 मिनट्स का खत्म होने जा रहा है, तो रीज्वाइन करेंगे बेटा, आप फिर से ज्वाइन करेंगे हमें.